लर्निंग में दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मैं कि जो भी बच्चे एलएलबी के जो मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे उसी के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूं और सारी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी एलएलबी कोर्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो मेरिट लिस्ट है, क्लास की टाइमिंग क्या है, रोल नंबर कैसे पता चलेगा, रूम नंबर कौन सा है, सारी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको देने की पूरी कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा आगे भी। ठीक है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता और आपकी क्लासेस चालू नहीं हो जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि आने वाली सारी अपडेट मिलती रहे। चलिए, एक फॉर्म आया हो जो कि हम सबसे पहले एलएलबी के नोटिस देख लेते हैं। इस नोटिस में दोस्तों ये बताया गया है कि महाविद्यालय के द्वारा सूचित किया गया है कि एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश इच्छुक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश पोर्टल पर अपना आवेदन फॉर्म भरा है, ठीक है, किंतु किन्हीं कारणवश उनके फॉर्म अपूर्ण रह गए, मतलब पूरा फिल नहीं हो पाया है किन्हीं भी कारणवश, ठीक है, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 7/8/2024 तक प्रत्येक दशा में महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने अपने आवेदन फॉर्म पूर्ण करें, उसकी हार्ड कॉपी निकाल लें। ऐसे अभ्यर्थी की सूची महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त तिथि तथा अपना आवेदन पूर्ण नहीं करता है अथवा प्रवेश से वंचित रह जाता है तो उसके लिए महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। इसमें ये नोटिस में बताया गया है कि जो बच्चे अभी तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ठीक है, उस 7 तारीख तक अपना फॉर्म भर लें या जिन्हें में किसी कोई कारणवश फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं वो भी इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला था। एक और नोटिस आई हुई है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। उस नोटिस में क्या है, यहाँ पे लिखा है एलएलबी इनकम्प्लीट यूजी कोर्स में नोटिस। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या दिया गया है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों, कुछ नेट की कनेक्टिविटी के कारण थोड़ा डिले हो रहा है यहाँ पे ओपन होने। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चों के नेम दिए गए हैं जिनका कुछ मार्क्स वगैरह चाहे जो भी नहीं भरा गया है, यहाँ पे सारी जानकारी दी गई कितने बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, और उनके परसेंटेज भी दिए गए हैं कौन कौन से परसेंटेज के, कौन कौन से यहाँ पे मैं बच्चे यहाँ पे फॉर्म को फिल किए हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए कितने बच्चे हैं यहाँ पे, काफी बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखा है दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं मेल फीमेल दोनों। ठीक है, काफी कम परसेंटेज भी है, काफी हाई परसेंटेज भी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपना नाम देख लीजिएगा कि यहाँ किसका किसका यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुका, किसका नहीं हो पाया है। ठीक है दोस्तों, इनकम्प्लीट है उसी का यह डाटा है, किसी भी कारणवश जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है ना, लगभग किसी ना किसी का किन्हीं कारणवश यहाँ पे इनकम्प्लीट है, इसीलिए डाटा दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे सही करना है इसको और क्या करना है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।